और ये स्पेशल गेस्ट की जो मैं बात कर रहा था वो एक बार ये देख लो आप इधर। हाय एस्ट्रो, ये मेरे से आधे टाइम में खाना खा लेता है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तुम खाओ यार अब जल्दी, मैंने तो खा लिया, निकले फिर। 45 मिनट्स, 1 आवर, 1.5 आवर हमारा मटन नहीं आया। देख लो यार, ओए होए, जबरदस्त एकदम यार। मेरे को तो वैसे ही लखनऊ की चिकन बिरयानी बहुत पसंद है। लाइट नहीं है बिल्कुल भी घर में, देखो अंधेरा पड़ा है पूरा। अभी आने वाली है, आ जाती है फटाफट, लाइट आ जाती है। हाय एस्ट्रो, बस एंटर कर रहे हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या डील मिलती है। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नया दिन, एक नया व्लॉग। आज है 8 फरवरी वेंसडे और इस समय बज रहे हैं इवनिंग के 7:30। हम ऑफिस से फ्री हो गए हैं, 6:30-7 बजे हम घर आए हैं वापस। तो बस अब थोड़ा बैल्कनी में चिल कर रहे हैं क्योंकि बहुत प्रेजेंट वेदर है इस टाइम पे। और यहाँ देख लो यार, लाइट नहीं है बिल्कुल भी घर में, देखो अंधेरा पड़ा है पूरा। अभी अभी आने वाली है, आ जाती है फटाफट, लाइट आ जाती है, जनरेटर ऑन हो जाएगा। बट बहुत अच्छा लग रहा है, हम थोड़ी देर हमने सोचा बाहर चिल करते हैं और फिर कुछ बढ़िया सा बनाते हैं खाने के लिए। और यार ये देख लो यहाँ पे एक बारी, ये देखो पूरा अंधेरा ही अंधेरा है नीचे, ये देख लो। और सामने आज फिर से वहाँ पे देख लो शादी हो रही है दोबारा। और वो देखो पहाड़ दिख रहे हैं सामने, क्या जबरदस्त व्यू आ रखा है इस टाइम पे बालकनी का, देख रहे हो। हाँ भाई ये क्या हो रहा है यार, ये कल बिस्किट से मंगाए थे ना इस कैफे। यार ये देख लो, ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा स्वाद है ये वाले बिस्किट। कॉफी क्रैकर, हाँ चाय के साथ बहुत सही लगते हैं। नहीं बहुत बढ़िया, कॉफी के साथ, कॉफी के साथ, मतलब मैं तो चाय पीता हूँ, मैं तो कॉफी पीती हूँ। यहाँ देख लो लाइट आ चुकी है। और एक बार बता दो ऑर्डर क्या किया डिनर के लिए। अभी मैंने मटन मंगवाया है, जैसे ही आता है तो मैं सोच रहा हूँ 1 घंटा तो मैरिनेट हो ही जाएगा। बाकी मैंने ग्रेवी के लिए उसके लिए सब तैयारी कर दी है, तो जस्ट थोड़ी देर मैरिनेट हो जाए तब तक मैं ग्रेवी का मैं मसाला वसाला बना दूंगी तब तक, और उसका बस 3-4 सीटी देनी है, हमारा फेवरेट मटन रेडी हो जाएगा। इस टाइम पे 8 बज गए हैं और मैं जाने लगा हूँ संजीव भाई के घर, जो हमारे एक तरीके से पड़ोसी कह लो। जी भाई एक ऐसे हैं जिनसे हमारी यहाँ पे ठीक ठाक अच्छी बातचीत हो जाती है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे लिमिटेड ही रहते हैं। अब मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ संजीव भाई से, प्लस साथ में उनके घर में जो रहते हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, उनसे मिलवाऊंगा। तो मैं जाता हूँ नीचे और आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। मैं संजीव भाई के आया हूँ यहाँ पे, आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ संजीव भाई से, आ जाओ। तो ये संजीव भाई हैं यार, ठीक है। मेरे को अभी तक याद है जब ब्रूनो गया था, सो ही वॉज द फर्स्ट वन जो आए थे, तो आई वॉज मूव्ड उस टाइम पे बहुत ज्यादा। तो ये स्पेशल गेस्ट की जो मैं बात कर रहा था वो एक बार ये देख लो आप इधर। हाय एस्ट्रो, एस्ट्रो एस्ट्रो सिट सिट, ये लो भाई। सो ये एस्ट्रो है, मैं तो आज इससे सेकंड टाइम मिला हूँ, मैं पहले मिला था एक बार नीचे मिला था, उसके बाद अब मैं आज इसके घर आया हूँ फर्स्ट टाइम। ये मेरे साथ ही बैठा हुआ है तब से, नो डाउट मेरे को ब्रूनो की याद आ गई है यहाँ पे। बहुत क्यूट है एस्ट्रो। अभी एस्ट्रो ने किया डिनर, संजीव भाई क्या किया डिनर इन्होंने जरा बताओ। ही ईट्स राइस विद बॉइल्ड वेजिटेबल्स, अच्छा वी गिव हिम 4 or 5 काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, अच्छा, एंड देन लिटिल बिट ऑफ सैल्मन ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड लिटिल बिट ऑफ सलामी गरम करते बॉइल। एस्ट्रो पूरा फेशियल दे रहा था। तूने किया वो क्या? हाय एस्ट्रो, अरे हग हिम यार, ही कांट प्ले हाफ वे ना, अब तो उसे पूरा सेम ब्रूनो है, सेम ब्रूनो सेम। Plus, his behavior with every person is very different. Like he won't just lick and this with everyone. वो उसको है, जैसे ये वाला है जो हाथ वाला, कि मेरे अलावा एक आधे बंदे के अलावा किसी को नहीं करता ये। ये देख। बाय एस्ट्रो, बाय एस्ट्रो, बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय कर दो, बाय 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 कर दे, इतना खिलाया मिलाया, बाय बाय कर दे। मेरे को लग रहा है इसको जाना है साथ। हम आ गए घर वापस एस्ट्रो से मिलके, बहुत मजा आया उसके साथ, ऐसे ही लग रहा था कि ब्रूनो आ गया है। मटन ऑर्डर किया था, 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट्स, 1 आवर, 1.5 आवर हमारा मटन नहीं आया क्योंकि कोई डिलीवरी एग्जीक्यूटिव था ही नहीं डिलीवर करने के लिए। गजब बेइज्जती है। तो मुझे बाकी पैसे रिफंड हो गए हैं, तो अब कुछ ऑप्शन था नहीं क्योंकि मटन बनने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, तो इसलिए हमने कैंसिल ही कर दिया था। हमने मंगवाई है बिरयानी, अब हम खाएंगे लखनवी चिकन बिरयानी। 10-15 मिनट में डिलीवर हो जाएगी, रस्ते में हैं, भैया ने ले लिया ऑर्डर, तो वो जैसी आती है फिर खाते हैं उसके बाद, ठीक है। तो अरे भैया आ गए हैं, तो भैया थैंक यू सो मच,
बिरयानी ले आया, बहुत भूख लगी थी, शुक्रिया और गुड नाइट। सर बिरयानी आ गई, इतनी नीटली और सुंदर तरीके से पैक करके दी है। ये देख लो यार, ओए ओए जबरदस्त एकदम यार। मेरे को तो वैसे ही लखनऊ की चिकन बिरयानी बहुत पसंद है और बिरयानी प्लस से तो मैं मंगाते रहता हूँ। यार धुएं निकल रहे हैं जबरदस्त इसमें से। द नेक्स्ट डे, गुड आफ्टरनून है सबको। आज है 9 फरवरी, थर्सडे का दिन हो चुका है और मैं आ चुका हूँ अपने दिल्ली वाले घर में। सुबह 2-3 मीटिंग्स थी मेरी, वो मैंने निपटाई और अब मैं सीधा आ गया हूँ घर। इस टाइम पे बज रहे हैं दोपहर के 3:30। बहुत भूख लग रही है, लंच करूँगा, उसके बाद अपना काम कंटिन्यू करूँगा ऑफिस का और फिर आपसे मुलाकात होगी सीधा शाम को। लंच में घर पे क्या बना है? पाव बने हैं, वेजिटेबल पुलाव, और आज ये खाएंगे और इसके बाद अपना काम कंटिन्यू करते हैं। Later that same evening. यार इस समय बज रही है शाम के 7:30 और मैं आ गई हूँ ऑफिस से, और आते ही मैंने सुदीप को बुला लिया नीचे सो दैट हम जाके एक बार टीवी का कोट ले लें एक और जगह से। तो हम अभी जा रहे हैं विजय सेल्स, तो अब देखते हैं वहाँ पे कितने का पड़ता है, तो फिर अकॉर्डिंगली हम फाइनल करेंगे कल तक। तो पहुँच गए भाई विजय सेल्स, यहाँ पे देख लो आप, बस एंटर कर रहे हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या डील मिलती है। देखिए हम देख रहे हैं, ये देख लो यार, ये सारे 75 इंचेस के हैं, क्या डील मिलती है यहाँ पे, उसके बाद सिलेक्ट करते हैं फिर। विजय सेल्स से तो हम लोग निकल चुके हैं और विजय सेल्स पे कुछ खास डील मिली नहीं, ना कुछ ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं वो लोग। एक दो मॉडल हमने बताए वो उनके पास अवेलेबल भी नहीं थे 75 इंचेस के अंदर। तो अब ऐसा है, अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से और हम जा रहे हैं नवेद्यम, क्योंकि हमारा मन कर रहा है यार कुछ बढ़िया सा साउथ इंडियन खाने का आज, तो डोसा वगैरह इडली वगैरह खाएंगे। तो अब यहाँ से निकलते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं नवेद्यम पे। पहुंच गए यार नवेद्यम, देख लो यहाँ पे, अब अंदर चलते हैं, टेबल लेते हैं और ऑर्डर करते हैं फटाफट, भूख बहुत लग रही है यार। वेटिंग बहुत ज्यादा है, ये देख लो मेन्यू और ये देख लो वेटिंग पूरा भरा हुआ है, अब यहीं पे ऑर्डर करेंगे फटाफट। यार हमें टेबल मिल गई और हमारा ऑर्डर भी आ गया, पेपर प्लेन डोसा और प्लेन डोसा। ये देख लो यार एक बार, ये इसका पेपर प्लेन है और साथ में ये देख लो, और ये प्लेन डोसा मेरा है यहाँ पे, और साथ में सांभर चटनी है दो तरीके की। यार ये क्या पी रहे हो तुम? मेरा कोकोनट वाटर। ये देख लो यार एक बार, पूरा नारियल ही दे दिया उन्होंने यार, प्योर फुल साउथ इंडिया की फील आ रही है यार। नहीं, इसने एक डोसा खा लिया है पर इसका मन नहीं भरा है, एक और खा रहा है मसाला डोसा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हाँ यार दूसरा, इसका एक डोसा खत्म नहीं हुआ अभी तक और मेरे दो डोसे खत्म हो गए यहाँ पे, क्या स्पीड है। जब भी कहीं खाना खाने जाते हैं या हम घर में भी कुछ खाते हैं, ये मेरे से आधे टाइम में खाना खा लेता है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। कुछ पूछा मैंने कुछ? तुम खाओ यार जल्दी, मैंने तो खा लिया, निकले फिर। ये हर बार ताकि नॉनवेज खाने जाओ, साउथ इंडियन खाने जाओ, चाइनीज खाने जाओ, कुछ भी खाने जाओ, इसका खाना हो जाता है 2 मिनट में खत्म। 2 मिनट में तो नहीं हुआ यार, दो डोसे थोड़ी खा जाऊंगा। पहला डोसा 2 मिनट में खत्म हुआ, पहला हुआ होगा लेकिन उसमें तो लग गया ना टाइम मसाला में। डोसा खा लिया हमने और गाड़ी में हम लोग बैठ रहे हैं और निकलने लगे यहाँ से सीधा घर के लिए, और आप लोगों से सीधा मिलते हैं अब घर पे। तो यार ये देख लो ब्रूनो इधर, और कल मैं मिला हूँ एस्ट्रो से। मेरे को ये बता दो कि तुम्हें एस्ट्रो से मिलके कैसा लगा कल? एस्ट्रो ना, हाँ बिल्कुल, हाँ डिट्टो, हाँ सेम ब्रूनो जैसा लग रहा था। मतलब सीरियस ये लग रहा था कि ब्रूनो ही आ गया, अगर हेल्थ वाइज भी देखूं तो बिल्कुल ब्रूनो था वो। तो यार ऐसा है, मेरा आ रहा है बर्थडे, ठीक है, और इसने मुझे देना गिफ्ट और मैंने इसको बोल दिया मुझे क्या गिफ्ट चाहिए, ठीक है ना। आप लोग भी कमेंट करके इसको बोलो कि मुझे गिफ्ट दे दे यार वो, ठीक है, बिकॉज कल जो हम मिली है ना उससे, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरा तो इच्छा ही नहीं हो रही थी कि मैं संजीव भाई के घर से ऊपर आऊँ, और इतना प्यार दिया एस्ट्रो ने कल हमें, हमने उसको मतलब टाइम ऐसे निकला कि पता ही नहीं चला यार। बट ऑब्वियस बात है वो उनके घर का मेंबर है, वहाँ तो हम नहीं रुक सकते थे, क्यों वो ऐसे ऐसे करके मेरे ऊपर बैठा हुआ था ऐसे, मतलब सेम एक्सप्रेशन, एवरीथिंग वाज सेम, 19-20 का फर्क था दोनों में बस। और हमारे सोसाइटी में और भी बहुत सारे लैब हैं, लेकिन ये और ब्रूनो तो सेम, नोज सेम, शक्ल सेम है, जस्ट ब्रूनो थोड़ा ओल्ड हो गया था अब और रिंकल्स आ गए थे उसके फेस पे, ये अभी 5 years ओल्ड था एस्ट्रो, तो ऑब्वियसली वो डिफरेंस होता है। बट एक बात बताऊं, इसके अगर मैं लाल पट्टा डाल दूं ना गले में, सेम ब्रूनो, हाँ हाँ जो इसका था सेम, अगर वो ब्रूनो वाला इसको डाल दो तो ये मतलब सबको ही लगेगा कि ब्रूनो आ गया। अब हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, इस समय बज रहे हैं रात के 11:30, आपको मिलेंगे एक और नए व्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।